जिद्दी बोलो चंदा एपिक पिसा कैसे हैं आप? थी जी बोलो ठीक है जिद्दी बिल्कुल कान में जबान घुसेड़ देगी कि ना बोल सके ना सुन सके ये कॉल मिलने से पहले जो इतनी इज्जत मिली है ना, वो मैं साथ दूसरे मोबाइल पे देख रही थी, नहीं नहीं सुन मुझे रही पता है, थी। मैंने तो वहां देखा था तो मैंने कहा कि टेस्टमोनी आनी चाहिए थी। जी बताओ चंदा, मैं और मैं एक इंतजार और कर रही राज थी, की मैंने बात टाइम बताऊंगा नहीं इस दिया। टेस्टमोनी के बाद, क्योंकि शर्त भी लगी है यहाँ पे कुछ ना, तो मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, ठीक है मैंने तो सबसे पहले शुक्रिया भी अदा करना, आपसे रिलैक्स होके बात ही नहीं हो सकी। तो सबसे पहली बात यह है कि मेरी मामा ने अपनी जिंदगी में अपनी बेटियों को, बकाया 3 बेटियों को, उन्होंने किसी को कोई हिस्सेदारी नहीं की। मुझे उन्होंने सबसे पहले हिस्सेदारी करनी अपनी जिंदगी में, और वो है 20 लाख रुपए की। बात है। सबसे पहली बात ये, उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी को भी बेटी को पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो कहती हैं कि अगर मैंने अपनी बेटियों में से सबको पैसे दे दिए तो मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। लेकिन मुझे उन्होंने मिन्नतें कर करके मुझे पैसे दिए। मैं उनके पास रहती हूँ, मैंने कहा लोग क्या कहेंगे, अम्मी आप ऐसे ना करें, आपके पास गाड़ी है, ये आप करके इस तरह कर देंगी तो सब लोग मुझे बातें करेंगे। अम्मी ने कहा किसी को भी कुछ पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, तुम सिर्फ ये पैसे लो और अपने खावंद को दो ये 20 लाख रुपया, और इससे जो है तुम्हारा खावंद काम करे, तुम्हारा हस्बैंड, मैं तुम लोगों को आंखों से जो है वो देखूं, फल फूलों का खुश बाश देखूं, खाता पीता देखूं, तो मैं खुश हूं, मैं ये देखना चाहती हूँ। और इवन देन के आप ट्रस्ट करें शाह साहब, बाकी देखने वाले लोग भी पता नहीं इस बात को यकीन करेंगे कि नहीं, बट आप यकीन करें।